उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात मंगलवार को प्रयागराज के दौरे पर थे। प्रयागराज में आगामी कुंभ को लेकर विकास कार्यों के निरीक्षण भी किया, जिसमें मेडिकल कॉलेज के निर्माण दिन सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। निर्माण कार्य को लेकर विभागीय अधिकारियों से प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने जानकारी ली। प्रयागराज में चल रहे कई कार्यों का स्थल निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की सड़क चौड़ीकरण से लोगों को आसानी हो, साथ ही मेले के दौरान और बाद में यहां आने वाले लोगों को भी आसानी होगी। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज की सड़क में फुटपाथ को कब्जा मुक्त बनाए जाने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने मनकामेश्वर मंदिर और भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर का भी स्थल निरीक्षण किया। दावा किया कि सभी कार्य समय सीमा में पूरे कर लिए जाएंगे। बाढ़ के चलते कुछ कार्य में देरी हो रही है, लेकिन बाढ़ पूरी तरह से खत्म होते ही युद्ध स्तर पर मेला क्षेत्र में कार्य कराया जाएगा। बुधवार को महाकुंभ से जुड़े सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अभी चल रही है, अभी काफी कुछ देखना है। अभी ये जो सड़क हम लोग देख रहे हैं, बेसिकली करीब इसमें 380 मीटर का वाइडनिंग हुआ है। 11 मीटर से इसको 18 मीटर किया जा रहा है। ये SRN मेडिकल कॉलेज को लीड करेगा। इसके साथ साथ एक अवस्थापन नीति से एक और भी रोड लिंक हो रहा है, तो एक इन एंड आउट मैकेनिज्म तय हो जाएगा, जो कि प्राधिकरण के द्वारा यहाँ कराया जा रहा है। इससे जो भी मरीज SRN कॉलेज जाएंगे कुंभ के दौरान और कुंभ के बाद भी, उनको बहुत सुगमता होगी और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से एंड टू एंड बनाया जाएगा, तो इसमें अवैध कब्जे भी नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ कि प्रयाग शहर के लिए एक बहुत बड़ा दिन के रूप में ये निकल के आएगा। इसके अलावा तमाम और कार्य हैं जो कि मेले से संबंधित हैं, वो अभी हमारे द्वारा देखे जा रहे हैं, कल भी देखेंगे, तो फिर आगे और बताएंगे।